आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा था। इसके बाद जो भूकंप आया उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अकाल और भूकंप के अलावा उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई, माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कॉलेप्स हो गया। इसकी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंक में ये तूफान छा गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था, मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी, शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई, गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा।